अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं साहब? ठीक हैं, खैरियत से? जनाब, पिछले दिनों हम गए थे मुल्तान, जो कि एसी काम छोड़ गया है, तो उसके लिए हम इसाक भाई के पास आए हैं, जो एसी को चेक करेंगे। उनका कहना है कि इसकी कॉइल जो है वो प्रॉब्लम कर गई है, जिसको निकाल रहे हैं भाई। निकाल के बताएंगे कि कॉइल में क्या प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा पिछले दिनों हम जो मुल्तान गए थे, तो उच्च शरीफ के पास वापसी पे हमारा एसी काम छोड़ गया था, गाड़ी का कूलिंग। तो अभी हम उसको चेक करवाने आए हैं और देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो भाई एसी का निकाल रहे हैं बक्सा कॉइल। इस जगह पे होता है एसी का बक्सा, ये वाइट कलर का जो है ये एसी का फिल्टर है, और नीचे है ब्लोअर इसके। इस ब्लोअर को निकालेंगे और साथ ही इसका वो जो कॉइल है वो भी बाहर आएगा, तो वो भी निकाल के चेक करेंगे उसका प्रेशर कि लीक है, क्या प्रॉब्लम है, ये जो काम नहीं कर रहा। ये कॉइल निकालने के लिए बहुत सा जो पार्ट्स है गाड़ी का डैशबोर्ड का वो निकालना पड़ता है, तो भाई बड़े प्यार से निकाल रहे हैं, क्योंकि इनके जो लॉक होते हैं वो भी बचाने होते हैं, अक्सर टूट जाते हैं। पर भाई माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं और बड़ी सफाई से खोल रहे हैं। आखिरकार गाड़ी का सारा डैशबोर्ड खोल दिया गया है नीचे नीचे से, और ये कॉइल बाहर आ रही है। ये कॉइल होती है जो हमारे भाई ने बाहर निकाल ली है, साथी ने। ये इसकी कंडीशन देख रहे हैं, ये कहीं से लीक है, कोई चक्कर है इसमें जो कि ये खराब हो चुका है, इसको चेक करते हैं। और ये इसका ब्लोअर है जो बाहर आया हुआ है। शादी का कहना है कि ये कॉइल जो है 2010 मॉडल, ये हाफ काम कर रही है, आपके सामने वाजे है, हाफ ड्राई है, हाफ जो है वो वेट है, गीली हुई है, ठीक है ना। तो उनका कहना है कि ये हाफ काम कर रही है, हाफ नहीं कर रही। अभी इसको प्रेशर दे के देखने, चेक करने लगे हैं कि आया कि ये खुलता है कि नहीं खुलता, क्या करना है इसका। अभी फिलहाल इसको करने लगे हैं प्रेशर दे। ये ताजी का बना रहे हैं प्रेशर देने के लिए, पार्ट है उसका कि इस पर पाइप प्रेशर लगा के उसका प्रेशर चेक करेंगे, तो चेक करेंगे इसके लिए। ठीक है, खत्म हो चुकी है, खराब हो चुकी है। अब ये फ्रेश जो है वो हम इसमें इंस्टॉल करेंगे। ये जो कॉइल है ये बिल्कुल फ्रेश है, न्यू है और फर्स्ट कॉपी है, ए प्लस है, क्योंकि जेन्युइन जो है कंपनी का वो तो काफ़ी कॉस्टली है, तो ये थोड़ी सी कम प्राइस में है, तो इसको हम इंस्टॉल करवा रहे हैं। इसकी भी गारंटी है कि ये भी चलेगा काफ़ी देर में, 8-10 साल की इन्होंने कहा कि ये सही रहेगा। तो अभी हम इसको इंस्टॉल करवाएँगे, बाकी अल्लाह करम करे, अल्लाह खैर करे, हमारे साथ बने रहिए। ये कॉइल अपनी जगह पे एडजस्ट हो रही है दोबारा से,
इसके अंदर कॉइल फिट हुआ है। तो इधर देख, ये देख ले, इसके अंदर कॉइल फिट हो गया, उसको वॉश करके हमने लगा दिया है। तो बाकी ब्लोअर जो है वो इस जगह पे आएगा, इस जगह पे ब्लोअर आएगा, ये आप देख रहे हैं होल वगैरह, ये ब्लोअर के सारे। ये ब्लोअर जो है इसमें फिट हो चुकी है, और ये ऊपर वाला जो आपको बॉक्स नजर आ रहा है इसमें फिल्टर आएगा इसका, एसी का। और अब यहाँ से ड्रेनेज पाइप है जो पानी एसी का ड्रेन होता है उसके लिए, वो वॉश करने गए हैं, पाइप ला के फिट करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, इंशाल्लाह फाइनल पे है। और इसके बाद बाहर वाल लगाएंगे और गैस फिल करेंगे, और इसका कंडेंसर को बाहर से वॉश करेंगे, और अल्लाह के हुक्म से फिर ओके हो जाएगा। आपको बाकी भी अभी सारा प्रोसीजर दिखाते हैं इसका। आज भाई हमारे उस्ताद मोहतरम एसी की लीकेज चेक कर रहे हैं, क्योंकि अभी गैस फिल करनी है उन्होंने, अभी सिर्फ खाली वैक्यूम बनाया, तो उसकी लीकेज चेक कर रहे हैं ये सरफ वाले पानी के साथ। जी इसाक भाई, ये हमारे इसाक भाई हैं जो एसी का काम करते हैं, और काफ़ी काबिल हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है इनका, काफ़ी तजर्बा है इनका, माशाल्लाह इनके हाथ में शफा है गाड़ियों की। माशाल्लाह फाइनल हो गया है जी एसी अल्लाह के हुक्म से हमारा, और इस टाइम फुल चिल माहौल है, आप देख सकते हैं ये हमने चलाया हुआ एसी और फुल कूलिंग कर रहा है इस टाइम, फुल एंजॉय वाला माहौल है, क्योंकि बिल्कुल काम छोड़ गया था ये। तो हमारी वीडियो कैसी लगी आपको, अगर अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ब्लॉग बाय जी, हमारे चैनल का नाम है ब्लॉग बाय जी, ब्लॉग जी के नाम से है, इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हम इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हो सकें। अस्सलामुअलैकुम।